हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सितंबर 2021 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, तो इसी को लेकर ये रीडिंग है। और गर्ल्स बॉयज सभी के लिए रीडिंग होगी जो रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल्स हैं या आप अगर सिंगल भी हैं तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग होगी। और यहाँ मैं कार शफल करूँगी, आप चाहें तो कार की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टैरो डेक के साथ और देखते हैं टॉरसियंस के लिए कैसे रहने वाली है लव लाइफ सेप्टेम्बर के मंथ में, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, Wheel of Fortune, okay, Five of Swords, Oracle deck से messages देख रहे हैं, Journey, Mature Man, Acceptance, okay, एनर्जी देख रहे हैं हम, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, मैन होल्डिंग ए कॉइन, एंजल ऑफ बैलेंस, फेरी टैरो डेक से देख रहे हैं तो क्या गाइडेंस आ रही है। प्रिंसेस ऑफ ऑटोमन, सिक्स ऑफ ऑटोन, द हर्मिट, यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड, ओके, एटलांटिक कार्ड्स की तरफ से गाइडेंस देख रहे हैं। ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए टॉरसियंस। और यहाँ कार्ड आया था पर्सपेक्टिव का, ओके, ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफ़ी कुछ मैसेजेस हैं टॉरसियंस के लिए। फर्स्ट हम देख रहे हैं सिंगल्स के लिए, यहाँ जो मैसेज है यानी जो वृषभ राशि के लोग हैं और सिंगल हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ मैं जो पर्सन आ सकते हैं पर्सन वर्ड यूज़ करूँगी। और जो पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं इस मंथ में या जिनका मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ सकता है वो हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं। काफ़ी पैशनेट हैं और कह सकते हैं अपने काम में काफ़ी डेडिकेशन रखते हैं और अपना 100% देते हैं, इस तरह के पर्सन हैं। और काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हैं, बहुत ही आज़ाद ख्याल के इंसान हैं और इस तरह के पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर होंगे ये। ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं जो आपसे जुड़े हैं इस मंथ में, स्पेशली जो साइंस आपको बताए हैं उस राशि के अगर वो हैं तो। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है वो कैंसर, स्क्रोपियो, पाइसिस हो सकते हैं यानी कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर, आर्किटेक्चर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं। और वैसे भी ये चाहे जॉब भी करते हैं, स्टडीज़ भी, अगर अभी ये स्टडीज़ भी कर रहे हैं तो काफ़ी क्रिएटिव हैं ये, इनकी क्रिएटिविटी अलग से दिखाई देती है। ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत अच्छा हो सकता है, स्टाइलिश हो सकते हैं और काफ़ी इमोशनली बैलेंस पर्सन हैं। इन्हें बताना आता है, प्यार जताना भी आता है और इस तरह के पर्सन आपके लिए आ सकते हैं। और काफ़ी कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इनमें होगी, भावनात्मक समझ इनमें काफ़ी है और इमोशंस भी आपके लिए इनमें काफ़ी डीप होंगे जब आप इनसे कनेक्ट होंगे। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन भी इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे, काफ़ी समझने वाले हैं आपके इमोशंस को। टॉरस राशि के लोगों को काफ़ी समझने वाले हैं उनके पर्सन, चाहे आप मैरिड भी हैं या आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपको काफ़ी समझेंगे, प्यार और इज्जत देंगे और काफ़ी उस लव को वो शो भी करने वाले हैं। इस तरह का आपके लिए सेप्टेम्बर का मंथ होगा और आपके पर्सन काफ़ी आपसे कनेक्ट भी रहेंगे इस मंथ में। और जैसा आपके लिए भी आई थी नाइट ऑफ वॉन्स एनर्जी, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सिचुएशंस का चार्ज लेंगे और काफ़ी
हद तक आप प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाएं इस तरह का भी आपके लिए हो पाएगा। वहीं कुछ एनर्जीज यहाँ दिख रही है जो लोग रिलेशनशिप में हैं स्पेशली उनके लिए, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपसे थोड़ा जेलस हैं। कंपैरिजन यहाँ दिख रहा है, आप देख रहे हैं बाहर लोग हैं उन्हें देख रहे हैं और अंदर पार्टी चल रही है, लोग आपसे कंपेयर कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पे हैं और वो नहीं हैं, और इस तरह का भी आपके लिए आया है। लोगों की जेलेसी आपके लिए आई है यहाँ। और वहीं थ्री ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आई है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप में से कुछ लोगों के साथ, और इसी वजह से आप थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी फील कर रहे हैं। आपने कह सकते हैं कि काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं पर अभी आप काफ़ी परेशानियों से घिरे हैं और काफ़ी सैड हैं और आपको लग रहा है ये सिचुएशन कब एंड होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं डिवाइन लाइट है, तो भगवान आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ हैं और आपकी प्रेयर्स बहुत जल्द आंसर होगी, क्योंकि जैसा आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो एक कार्ड माना जाता है गुड फॉर्चून का, यानी अच्छा भाग्य आपका वेट कर रहा है। जो सर्कल आपने अभी कंप्लीट किया है और जिस तरह के स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में थे या अगर आप सिंगल भी हैं, तो लाइफ के कुछ फेज़ में आपने काफ़ी संघर्ष झेला है और वो चीज़ें आपके लिए बदलने वाली है सितंबर के मंथ में, और आपने जीवन चक्र को या कहें कि एक लाइफ साइकिल को पूरा किया है और नेक्स्ट लाइफ सर्कल आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, और इस दौर की शुरुआत बहुत पॉजिटिवली आपके लिए होने वाली है। सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ने वाले हैं लाइफ में, लक भी आपको फेवर करेगा इस मंथ में। यहाँ फाइव ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आई है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी सिचुएशंस का चार्ज लेंगे। मे बी कुछ लोग आपसे थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं, लोगों की तानाशाह भी यहाँ दिख रही है पर वो कुछ कर नहीं सकते, पर यह है आपके पर्सन काफ़ी सिचुएशंस का चार्ज अपने हाथ में लेंगे और चीज़ों को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो खुद से भी पहल करने वाले हैं और काफ़ी चीज़ें अपने अंडर कंट्रोल रखेंगे। सभी टॉर्सियंस के लिए जर्नी भी हो सकती है, पर्पस ओरिएंटेड जर्नी हो सकती है। आप जिस भी उद्देश्य को लेकर यात्रा करेंगे वो यात्रा आपकी सफल होगी, और आपके लिए हो सकता है कि सभी टॉरस के लिए होगा कि सभी टॉर्सियंस यहाँ आप किसी जर्नी को कर सकते हैं। 10 नंबर आया है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो भी पूरा होगा उस जर्नी से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप जा रहे हों, कैरियर हो, जॉब हो या कुछ भी, आपका वो सक्सेसफुल होगा जिस भी पर्पस से आप जर्नी करते हैं इस मंथ में। मैच्योर मैन का कार्ड आया है, कुछ लोग आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं, ये हो सकता है। 5 नंबर आया है, तो ये चेंज का नंबर माना जाता है, तो आपके सिचुएशंस में बहुत जल्द चेंज आएगा। एक्सेप्टेंस का कार्ड है, जो भी आपने एक्सेप्ट किया है अपने पर्सन से, आपके पर्सन उस चीज़ को पूरा करें, इसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ लग रही है। और जो सिंगल्स हैं वो भी जैसे प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे थे, वो भी आपके लिए हो पाएगा। और नेक्स्ट कार्ड आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का, तो आपको इस मंथ में काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको वो कॉन्फिडेंस और कह सकते हैं कि इनर विजडम और स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें और प्रॉब्लम और चैलेंजेस पे आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। और यहाँ लायन है सिंबल कॉन्फिडेंस का और फ्री स्पिरिट का, तो आप लोग काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा आप में रहेगी, आप पॉजिटिवली लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं, काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा आपका और काफ़ी स्ट्रेंथ आएगी आप में, हिम्मत आएगी डिसीजंस लेने की और लाइफ में आगे बढ़ने की। और वहीं आपके लिए जो स्पेशली सिंगल्स हैं टॉरस, उनके लिए ऐसा हो सकता है कि मैन होल्डिंग के कॉइन एनर्जी आई है, तो मैन वुमन दोनों के लिए होगा कि आपके लिए ऐसे कोई पर्सन आ सकते हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, यानी पैसा काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, और अगर गर्ल हैं तो वो ब्यूटीफुल हैं, उनके बाल काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं और काफ़ी गुड लुकिंग और कह सकते हैं इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो। उनका मूलांक 7 नंबर हो सकता है, 4-3 नंबर आप यहाँ देख रहे हैं, तो 7 नंबर उनका मूलांक हो सकता है। और एंजल ऑफ बैलेंस आपको लाइफ में हर सेक्टर में बैलेंस देंगे। अगर रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें हैं, जिनका नो कॉन्टेक्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस है या बात ही नहीं हो रही है आपके पर्सन से, तो एंजल ऑफ बैलेंस आपको वो लाइफ का बैलेंस देंगे, आप फिर से अपनी लाइफ में एक स्मूथनेस फील करेंगे और चीज़ें आपके लिए बैलेंस होना स्टार्ट होगी। और ये लव लाइफ में आया है कार्ड, तो आपकी लव लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे इस मंथ में। वहीं आपके लिए कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ ऑटमन,
स्टूडियस, रिस्पॉन्सिबल, चीयरफुल, मिस्चीवियस, इस तरह की क्वालिटीज़ वाली गर्ल या बॉय आपसे कनेक्ट हो सकते हैं इस मंथ में, या उनकी तरफ से फ्रेंडशिप ऑफ़र हो सकती है आपको, और इन जनरल भी आपसे मिल सकते हैं इस मंथ में। और जो मैसेज है, हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर कैरियर प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। जी, आपके कैरियर के लिए भी काफ़ी समय अच्छा आ रहा है। वर्क प्लेस पर आपसे मिलें ऐसा भी आप लोगों के लिए हो सकता है। और सिक्स ऑफ आर्चमन का कार्ड है, द गुड यू डू कम बैक टू यू एंड अनएक्सेप्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइसली और रीपेइंग ए डेब्ट। जी, आपके अगर लोन्स वगैरह हैं कुछ तो वो भी इस मंथ में आपके लिए पूरे हो पाएंगे, आप उन्हें कह सकते हैं लोन्स वगैरह पूरा चुका पाएंगे, या आपने अगर कोई उधार लिया है पैसा तो उसके लिए भी आपके पास मनी सोर्सेज आ जाएंगे कि आप उसे पूरा चुका सकें। और आपके पास पैसा काफ़ी आ रहा है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से निभा पाएंगे, ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी अच्छे से निभा पाएंगे, पैसा भी काफ़ी आ रहा है। अगर आपका कुछ पुराना पैसा पेंडिंग है तो वो भी आपके पास इस मंथ में आ सकता है, और आप अपने काफ़ी लोन्स वगैरह चुका पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से पूरे कर पाएंगे। और द हर्मिट कार्ड है, वर्गोज़ आपके लिए आ सकते हैं इस मंथ में, स्पेशली सिंगल्स के लिए, और वर्गो कार्ड माना जाता है द हर्मिट। और जो मैसेज है, फाइंड और बी ए मेंटर, टेक ए ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, ए कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जी, आपकी काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी इस मंथ में, और आप अपने लिए काफ़ी अच्छा कुछ सोच पाएंगे और लाइफ पर्पस में आगे बढ़ पाएंगे। और इस मंथ में आपको काफ़ी इंट्यूशंस भी आएंगे, आपको उन इंट्यूशंस को सुनना है और अपनी सेल्फ हीलिंग पे भी आपको ध्यान देना है। वहीं यूनिकॉर्न्स की तरफ से गाइडेंस कार्ड आया है पर्सपेक्टिव का, और जो मैसेज है, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। जी, मे भी कुछ चीज़ें आपकी, किसी के साथ अगर रिलेशनशिप ख़राब थे, वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे आपका यहाँ हम लव लाइफ में देख रहे हैं, तो मे भी जिन लोगों का रिश्ता अभी अप डाउन से गुजरा है और बात नहीं हो रही, नो कॉन्टेक्ट है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो चीज़ें आपके लिए चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी इस मंथ में, आपके पर्सन फिर से आपसे कनेक्ट हों, ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। वहीं ब्लैसिंग्स का कार्ड है एटलांटिक कार्ड्स की तरफ से, आपके लिए काफ़ी ब्लैसिंग्स भी आ रही है और काफ़ी आपको गट फीलिंग्स भी आएगी, एंजल्स नंबर भी दिख रहे हैं आपको, आपके लिए काफ़ी ब्लैसिंग वाला मंथ रहेगा, काफ़ी ब्लैस फील करेंगे आप, और आपकी कोई बड़ी विश भी फुलफिल हो सकती है इस मंथ में। वहीं हम देख रहे हैं जो टॉरस सिंगल हैं उनके लिए जो पर्सन आ सकते हैं उनके जॉडिक साइन क्या होंगे, और आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज होगा। फर्स्ट जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं इस मंथ में उनके जॉडिक साइन हम देख रहे हैं, जेमिनी आपके लिए इस मंथ में आ सकते हैं, मिथुन राशि के कैंसर भी आ सकते हैं आपके लिए इस मंथ में जो आपसे कनेक्ट हो, और या जिनका मैरिज प्रपोजल आया है आपके लिए, पाइसिस भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं इस मंथ में, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, मीन राशि के, मिथुन राशि के और कर्क राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, और उनकी अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, वी नाम से हो सकता है उनका नाम, ई नाम से नाम स्टार्ट होता हो, के नाम से भी आपके पर्सन का नाम हो सकता है, एल नाम से भी उनका नाम स्टार्ट हो सकता है। और वहीं आपके पर्सन की तरफ से जो मैसेज है वो भी हम देख रहे हैं, आई एम सॉरी, आई बिट्रेड योर ट्रस्ट। जी, आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज है, दो मैसेज है, I still don't have all the answers। ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्हें सभी सवालों के जवाब उनके पास अभी नहीं हैं। I know now what I have lost। जी, आपके पर्सन कह रहे हैं उन्होंने क्या खोया है अब वो इस चीज़ को जान गए हैं। और कुछ और मैसेजेस भी हम ले रहे हैं, I am ready to tell you truth। जी, आपके पर्सन कोई आपको सच बताना चाह रहे हैं, कुछ और मैसेजेस भी हम ले रहे हैं, You are the reason I become stronger, but still you are my weakness. Believe me, this is not over yet. आपके पर्सन कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और आप इस बात का भरोसा करें। I do not want to hurt you. जी, आपके पर्सन आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, ऐसा मैसेज आया है। और I am becoming a better person. आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अब एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कर रहे हैं।
आई एम ड्रीमिंग यू, जी आपके पर्सन आपके सपने देख रहे हैं। तो आपके लिए यही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।